हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत सनसिटी रोड पर बाद नदी में 15 दिसंबर को हादसे का शिकार हुए प्रवासी युवक का शव शुक्रवार को बीबीएमबी नंगल डैम के गोताखोरों की टीम ने बाहर निकाला। एक घंटे की मशक्कत के बाद लगभग 20 फीट से ज्यादा गहरे पानी में 5 गोताखोरों की टीम ने शव को निकाला। 15 दिसंबर को कंपनी में पावर कट होने के कारण विवेक पुत्र जसवंत सिंह निवासी संबल यूपी सनसिटी रोड पर अपने दोस्त के साथ आया था और बाद नदी के गहरे पानी में हादसे का शिकार हो गया। ये बालक नदी में 15 तारीख को एक युवक है जो शराब के नशे में था, जो नदी में उतर गया था, तो बाद में पता चला कि नदी में उतरने में इसका कोई पता नहीं चल पाया था, तो जिस पर फिर हमने जो है डाइवर्स की टीम जो है वो बुलाई थी, जो आज आई है, और उन्होंने इसकी डेड बॉडी को उसी जहां वो नदी में उतरा था वहां से उसको उसकी बॉडी को आज रिकवर किया है। इसका नाम विवेक कुमार है और ये संभल यूपी का रहने वाला है। ये जब ये नदी में गया ये कोई शाम के समय का था जब ये वहाँ पे था, और किसी ने इसको वहाँ के आसपास के लोगों ने इसको नशे की हालत में देखा था, शायद उसी हालत में वो नदी के किनारे बैठा था, शायद वो गलती से चला गया या क्या, मतलब फिसल गया या क्या हुआ होगा। उज्जवल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।